लेट्स लुक एट रिटेल लेआउट सुपरमार्केट को के अंदर हम कैसे शेल्फ में किस चीज़ कौन से प्रोडक्ट के साथ लगाते हैं एंड सो ऑन सो फोर द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वेयर फुट ऑफ फ्लोर स्पेस हमारे पास एक लेट्स ए फ्लोर स्पेस है इट कुड बी फोर्टी फीट बाई एटी फीट और वॉट एवर और उसके अंदर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम उसमें से कितनी कमाई कर सकते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि उसके अंदर आपने जैसे मैंने कहा कि आपने देखना है कि स्पेस यूटिलाइजेशन भी हाई हो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रौ बढ़ती है लेकिन फिर हमने ये भी देखना है कि उसके अंदर जो मूवमेंट है उसके अंदर कोई इशू ना हो कि कस्टमर आ, तंग आकर आना बंद कर दें तो उसके लिए भी हमें देखना होता तो so, ऑप्टिमम हमें लेवल uh, रखना होता है जिसके अंदर द मूवमेंट इज़ ईजी एंड द स्पेस इज़ ऑल्सो नॉट वेस्टेड इसके अंदर हमने ये एक uh, एज्यूम किया हुआ है कि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वेरी uh, करती है डायरेक्टली विथ कस्टमर्स एक्सपोजर कस्टमर्स के जितना एक्सपोजर होगा जितनी फुट ट्रैफिक होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी Uh, बढ़ेगी सेल्स इन बढ़ेंगी अच्छा इसके अंदर पांच जो हमारे हेल्पफुल आइडियाज़ हैं सुपरमार्केट लेआउट के अंदर uh, उसके अंदर है कि जो हमारे हाई ड्रॉ आइटम्स हैं उसको हम स्टोर uh, की पेरेफरी के पास रखते हैं कि वो क्लियरली नज़र आए कि ये कस्टमर को अपनी तरफ ड्रॉ करें अगर वो नज़र नहीं आएगा तो वो कस्टमर को ड्रॉ नहीं करेगा और फिर इससे ये है कि उस तरफ जाने से आ, जो कस्टमर है वो और प्रोडक्ट्स के से भी गुजरेगा तो एक तो वो चीज़ है फिर हम इम्पल्स आइटम या हाई मार्जिन आइटम्स जो हैं उनको प्रोमिनेंट लोकेशन पर रखते हैं फॉर एग्जांपल हाई मार्जिन आइटम्स क्या हुए होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं ये हाई मार्जिन आइटम्स में कंसिडर होते हैं मोबाइल फोन्स हाई तो उनके लिए हमने प्रोमिनेंट एरिया बनाया होता है उधर रखते हैं या तो एंट्रेंस के पास रखेंगे कि फ़ौरन कस्टमर की नज़र पड़े आपने इधर सुपर स्टोर में देखा होगा कि टी रखे हुए हैं कंप्यू कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैं आपके क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं ये या तो बहुत प्रोमिनेंट जगह बनाई होती है या आपके एंट्रेंस के पास रखा होता है कि जाते ही उनको नजर आ जाए दूसरा इम्पल्स आइटम है इंपल्स आइटम ये है कि आपने इसका इरादा नहीं किया था लेकिन वो नज़र आया तो आपने फ़ौर ख़रीदने का किया तो वो इम्पल्स आइटम के अंदर यू कैन कंसिडर ये क्या कहते हैं चुंगम, चॉकलेट आइसक्रीम तो यूजली आप देखेंगे कई स्टोर्स के आ, कैश रजिस्टर के पास ये रखे होते हैं कि बच्चे गुजर रहे हैं तो उनको नजर आई उन्होंने कहा जी ये हमने खरीदना तो वो इम्पल्स आइटम्स उधर से उधर प्लेस किए जाते हैं अच्छा जो पावर आइटम्स हैं जो कि वो आइटम जिसको खरीदने के लिए लोग आ रहे होते हैं उनको यूजली आइल्स के दोनों साइड पर रखा जाता है और दरमियान में डिस्पर्स किया जाता है वो क्यों कि उसको लेने के लिए कस्टमर जब एन, उस आइल के गुजरे तो उसको दूसरे आइटम्स भी नज़र आए और हो सकता है कि इन पावर आइटम्स की वजह से वो दूसरे आइटम्स भी परचेज़ कर ले जो कि इतने फास्ट मूविंग आइटम्स नहीं हैं तो कस्टमर आता तो इनको परचेज़ करने हैं बट उसकी वजह से वो दूसरे आइटम्स भी खरीद सकते हैं तो इस तरह उसको प्लेस किया जाता है एंड uh, आइल्स uh, की लोकेशन को अच्छी इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए Uh, आपका जो स्टोर uh, का मिशन है जो फर्म का मिशन है uh, उसको uh, जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वो केयरफुली उसको आपको uh, रखना चाहिए प्लेस uh, करना चाहिए कि वो मिशन कन्वे हो फॉर एग्जांपल अगर मिशन के अंदर आपका प्रोसेस्ड फूड के बारे में है तो वो प्रोसेस फूड आपका ऐसी लोकेशन में ऐसी जगह हो कि वो कस्टमर को फ़ौर नज़र आए बेकरी आइटम्स वगैरह हैं तो फिर वो नज़र आने चाहिए कि ये आपके मिशन का हिस्सा है इसके ये प्रोवाइड करना ये एक एग्जांपल है स्टोर लेआउट की जिसके अंदर बेसिकली हाई वैल्यू आइटम्स जो हैं वो इन वॉल्स के साथ लगा दिए हैं इधर प्लेस किए हुए हैं सो डैट ये आपके चेकआउट स्टैंड हैं जो कि कैश रजिस्टर आप कह लें कैश रजिस्टर के साथ उन्होंने फोटो लैब लगाई हुई है अगेन अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो ये एरिया फौरन नजरों में आता है इधर कोई खड़ा है वो क्या कहते हैं पेमेंट करने के लिए तो उसको ये नज़र आएगा डेयरी प्रोडक्ट उसने एक जगह पर उन्होंने लगाए हैं प्रॉबली इधर जो आपके ये सारे प्रोड्यूस वगैरह हैं इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टोर हैं जहाँ क्लोथ्स के बारे में ज़्यादा वो आपके एक किस्म का शो होता है कि ये स्टोर जो है ये क्लोदिंग्स वगैरह को ज़्यादा फोकस करता है मीनिंग मिशन उसका है तो वो फिर क्लोदिंग वगैरह आपकी प्लेस होंगी प्रोमिनेंटली सो दैट मैसेज क्लियर कट कस्टमर को मिल जाए कि इधर किस चीज़ के ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्या चीज़ वो सेल uh, ज़्यादा करना चाहते हैं देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड रिटेल स्लॉटिंग इट इज़ ऑल्सो कंट्रोवर्शियल ऑल्सो वाई बिकॉज रिटेल स्लॉटिंग इज बेसिकली जो मैनुफेक्चरर्स हैं जो वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्टोर को प्रोडक्ट वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट प्रोमिनटली प्लेस किया जाए तो उसके लिए दे आर रेडी टू पे फी वो फी पे करते हैं अब कंट्रोवर्सी कहाँ से आती है कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जिनका इतना पावर नहीं है इकोनॉमिक पावर जिनके पास नहीं है वो इतनी ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते तो उनको वो प्रोमिनंट स्पेस नहीं मिलता और उनका प्रोडक्ट पहले ही क्योंकि स्मॉल वो मैन्युफैक्चरर हैं तो उनका नाम इतना नहीं है ऊपर से उनको ये स्पेस भी नहीं मिले तो उनका प्रोडक्ट स्लो उसकी सेलिंग वगैरह होती है तो वो एक उसको कंट्रोवर्शियल वो समझते हैं वो समझते हैं कि हर एक को इक्वल मिलना चाहिए बट आ, इसका जो स्लॉटिंग जो है रिटेल स्लॉटिंग इसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो बेसिकली है कि लिमिटेड शेल्फ स्पेस होती है फिर शेल्फ स्पेस में लिमिटेड स्पेस uh, है प्रोमिनेंट स्पेस जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ द आइल्स ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो वो लिमिटेड हैं तो उसके लिए फिर वो ज़्यादा कंपनीज चाहती हैं तो वो फिर स्टोर उधर पैसा चार्ज करते हैं आ, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं तो अब उनके लिए भी आपको शेल्फ स्पेस चाहिए एक कंपनी है उसके पहले लट से बीस आइटम्स थे अब पचास हो गए तो अब वो पचास के लिए स्पेस चाहिए पचास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं अच्छा फिर सेल्स uh, जब ये करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल का जो डेटा है uh, उसके लिए कंपनीज़ को उसकी ज़रूरत होती है कि अपना वो प्लान कर सकें फोरकास्ट कर सकें तो उसके लिए भी पेमेंट करनी पड़ जाती है एंड क्लोज़र कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज़ अनदर रीज़न जिसकी वजह से रिटेल स्लॉटिंग आजकल यूज़ की जा रही है एंड उस पर कम uh, जो स्टोर्स हैं जो बड़े स्टोर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर और कंपनीज वेंडर्स से वो चार्ज करते हैं फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर प्रोडक्ट